ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का साई संदेश। बाबा कहते हैं, सच्चाई का रास्ता कांटों से भरा है। बहुत मुश्किलें आती हैं सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के लिए, लेकिन जब आप एक बार अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो तो जो सुख और खुशी का अनुभव आपको होता है वह जीवन भर आपके साथ रहता है, क्योंकि फिर कभी कोई दुख जीवन में लौट कर नहीं आता। और हर मंजिल को पाने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक सही दूसरा गलत। हमारा मन हमें हमेशा भ्रमित करता है, लेकिन हमारी आत्मा से सच्चाई की आवाज़ आती है। तो इस बात का निर्णय हमें करना है कि हमें अपने मन की आवाज़ सुननी है या अपनी आत्मा की। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, आप हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले हो। चाहे कितना दुख उठाना पड़ा हो, कितनी ही पीड़ा सहनी पड़ी हो, लेकिन कभी आपने झूठ का साथ नहीं दिया है। तो मेरे बच्चे, सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की परीक्षा जरूर होती है, और किसी किसी भक्त की तो पूरी उम्र बीत जाती है परीक्षा देते देते। लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा की घड़ियां समाप्त हो रही हैं, क्योंकि तुमने बहुत लंबा समय दुखों को झेला है और सब कुछ सहन किया है। लेकिन मेरे बच्चे, जो ये थोड़ा सा समय है, इसे भी धैर्य से सहन करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में धन का अभाव है और तुम बुरी तरह से टूट चुके हो, लेकिन मेरे बच्चे, अपने घर में जो रूखा सूखा है उसी में गुजारा करो। अगर नमक रोटी है तो उसी से अपना पेट भर लो, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना, ना ही कभी किसी से कर्ज लेना, क्योंकि अगर हम समय पर किसी का कर्ज नहीं चुका पाए तो वह हमें ताने देने से कभी पीछे नहीं हटेगा। अगर आप अपने अपनों से भी कर्ज मांगते हैं तो भले ही आज वो आपकी सहायता कर दें, लेकिन वो आपको ताने देने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरे बच्चे, जो रूखा सूखा है, जैसा है, उसी में संतोष करो, क्योंकि बहुत जल्द सब अच्छा होगा। क्योंकि अगर समय पर हम किसी का कर्ज ना चुका पाएं तो हमें तानों से मार दिया जाता है, जो हमारे हृदय को आघात पहुंचाते हैं और हमें जीना भी मुश्किल कर देते हैं। तो इसलिए जैसा समय है उसी में गुजारा करो, सब्र रखो, सब अच्छा होगा। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जिससे सुखी इंसान दुखी हो जाए और दुखी इंसान सुखी हो जाए। तो अर्जुन ने क्या लिखा था कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो मेरे बच्चे, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। आज बुरा समय है तो यह गुजर जाएगा, कल अच्छा समय भी ज़रूर आएगा, लेकिन अपने धैर्य और दृढ़ता को यूं ही बनाए रखो। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साई राम।